Hey guys, welcome back to a brand new video. तो यार आज भी मेरे पास काफी सारा इंटरेस्टिंग न्यूज एंड अपडेट्स है पूरे गेमिंग कम्युनिटी से रिलेटेड, तो यार वीडियो पूरा जरूर देखना। एंड सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं BMPS के बारे में। तो BMPS के राउंड वन का वीक वन ओवर हो चुका है एंड वीक वन के MVP बनते हैं गॉब्लिन। एंड फिर अगर बात कर लिया जाए करंट ओवरऑल मैच स्टैंडिंग्स के बारे में, तो फर्स्ट पोजिशन पर है टीम सिली, सेकंड पर है CG एंड थर्ड पर है 8bit। एंड बाकी की जो टीम्स है उनके पॉइंट स्टैंडिंग्स आप लोग स्क्रीन के सामने है, अगर आप लोग चाहो तो फिर आप लोग पॉज करके देख सकते हो। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं क्लच गॉड के ड्रीम टीम के बारे में, जिसको नियो रिवील करते हैं अपने स्ट्रीम पर। वो क्या रहता है यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। मजे की बात बताओ, जब लाला टीम बनाना चाह रहा था ना, ठीक है तुमको एक मजे की बात बता दो, जब लाला टीम बनाना चाह रहा था तब लाला ने ये टीम कहा था मुझे और शांतनु को आके कि मुझे ये टीम बनानी है अगर पॉसिबल है तो, वो जॉनी एस पावर और गॉब्लिन। और तभी मैं CG में हम लोग बोले पागल है, जॉनी देंगे ही नहीं, गॉब्लिन को देंगे ही नहीं। तो नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं लॉल्स के बारे में। तो जैसे कि आप लोगों को पता है लॉल्स का ये पहला ऑफिशियल टूर्नामेंट है, बट उसके बाद भी टीम लॉल्स का परफॉर्मेंस काफी ज्यादा अच्छा जा रहा है BMPS में। फर्स्ट मैच में उनके टीम ने थोड़ा चोक किया, बाकी सारा मैचेस उन लोगों का अच्छा गया, बट उसके बाद भी लॉल्स को हेट मिल रहा है। एंड क्यों हेट मिल रहा है लॉल्स को एंड उस पर लॉल्स क्या रिप्लाई करते हैं वो चीज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। हेटर्स बज रहे हैं, अबे यार देखो मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, तुम ये चीज नोट करना। जब पहले और दूसरा मैच था जिसके अंदर हमारे सिर्फ 2 पॉइंट्स निकले थे, तब क्या बोल रहे थे कि ये टीम ही क्वालिफाई नहीं होगी, स्लॉट वेस्ट, ये वो लोड़ा लसन, ये सब कर रहे थे। ठीक है, ये हो गया, फिर सैनोक अच्छा गया और तब से हमारे सारे मैचेस अच्छे जाने लगे, 3rd, 4th, 5th, 6th सारे मैचेस अच्छे। तब क्या बोल रहे हैं कि भाई लोल्स के किल नहीं है इसलिए टीम बेकार है। अरे भाई ये टीम गेम है और मेरा इंडिविजुअली मेरे को पता है कि मैं बहुत ज्यादा लैग कर रहा हूँ, बट मैं कर लूंगा सही। तो अभी यार तुम पहले टीम पे आए, अभी तुम मेरे को टारगेट कर रहे हो, कल को अभी कुणाल जोन नहीं लेके गया हमको 2-3 मैच, तुम उसको भरोगे, क्यों कर रहे हो, करो साला। एट द एंड पता है इनको हेट करना ही है, चाहे कुछ भी हो हेट करना है वो, कि मेरे को नहीं तो फिर मेरी टीम में से किसी और को पकड़ेंगे जो गंदा परफॉर्म करेगा, ये मत करो भाई। उसके बाद फिर आजकल जोनाथन को इतना ज्यादा ट्रोल क्यों किया जा रहा है इसके बारे में लोग आरू से पूछते हैं एंड आरू इस पर क्या रिप्लाई करते हैं वो चीज यहां पे आप लोग देख सकते हो। भाई आजकल लोग जॉनी को इतना ट्रोल क्यों कर रहे हैं, भूल गए UMP AKM मेटा में उसका अचीवमेंट। देखो जॉनसन को पता नहीं क्यों लोग ट्रोल करते हैं, मेरे अकॉर्डिंग तो मतलब आज भी एम बहुत ही मतलब नेक्स्ट लेवल है जॉनी का, बहुत ही ज़्यादा अच्छा कंट्रोल उसका अपने फोन के ऊपर, जायरो के ऊपर। एंड DBS भी ऐसा नहीं है कि वो DBS चोक कर रहा है, फिर वही मेटा में अच्छा खेलता था, अच्छा खेल रहा है, कंसिस्टेंटली अच्छा खेल रहा है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं सोल निंजा के बारे में। तो यार निंजा से उनके स्ट्रीम पर लोग पूछते हैं कि भाई तेरे किल क्यों नहीं आते हैं। अब ऑब्वियसली यार अभी निंजा नया टीम ज्वाइन किया है एंड हर टीम का प्ले स्टाइल एंड माइंडसेट अलग अलग रहता है, तो उसको अडैप्ट करने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है। तो इसी चीज का रिप्लाई देते हुए निंजा अपने स्ट्रीम पर अपने फैंस को कन्विंस करने का ट्राई करते हैं कि उनको थोड़ा टाइम दे अच्छा परफॉर्मेंस आने के लिए। एंड एग्जैक्टली निंजा क्या बोलते हैं वो चीज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। भाई तेरे किल क्यों नहीं आते, भाई आप लोग मेरा किल क्यों देख रहे हो, आप ये देखो ना कि जो मेन है चीज वो कैसा चल रहा है। मैं तुम लोग को बोला हूँ कितनी बार कि मैं अभी जस्ट आया हूँ, आई नो तुम लोग की एक्सपेक्टेशंस बहुत है, बट थोड़ा तो टाइम दो, अभी तो इतना टाइम भी नहीं हुआ है लोगों को, एटलीस्ट प्लेयर्स को कितना टाइम लग जाता है अपनी टीम के साथ बैठने में। मैं तो फिर भी थोड़ा टाइम मांग रहा हूँ आप लोग उतने में भी, मेरे को बोलते हो कि किल नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा, किल थोड़ी ना हर चीज होता है, मैं होता है टीम को सपोर्ट करना, जैसे टीम को सपोर्ट करे ये सब रहता है। एंड अभी अभी स्टार्ट किया है सिनर्जी वगैरह, लाइक वो लोग का जो माइंडसेट होता है, प्लान रहता है, उसमें मैं अभी सीख रहा हूँ कि कैसे वो सब जल्दी करूँ, थोड़ा तो टाइम दो भाई। और अभी स्ट्रीम से इसीलिए हम लोग इतना प्रैक्टिस करते रहते हैं कि वो सब चीज़ें जल्दी हो पाए, फिर भी आप लोग अगर ये करते रहोगे तो कैसा होगा, थोड़ा तो टाइम दो, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ भाई। मतलब कुछ अगर मैं कुछ भी गंदा खेल रहा होता, कुछ भी खराब खेल रहा होता कुछ भी, तो ये लोग भी तो फिर टेंशन लेते ना, लोगों को मेरे पे ट्रस्ट है, तो मैं भी बोल रहा हूँ कि आप लोग मेरे पे ट्रस्ट रखो। थोड़े टाइम 10 दिन करीबन हुआ नहीं होगा और आप 1-2 मैच जितने भी मैचेस जज करने लग जाओगे तो भाई ऐसे तो फिर कभी कोई प्लेयर फिर तो कुछ हो ही नहीं पाएगा। उसके बाद फिर एक बंदा आरू से बोलता है कि जेली ओआर में अच्छा है जेलिंग कराते थे, मगर टीम गॉडलाइक को वो ज्यादातर पैसिविक खेलवाते हैं। एंड इस चीज पर आरू क्या कहते हैं वो चीज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। भाई जेली IGL बहुत पैसिव है कि वो गॉडलाइक की ही ऐसे खिला या गॉडलाइक को ऐसे खिला रहा था, आपके टाइम तो अच्छा था, ऐसा नहीं यार। उस टाइम पे आप देखो ना मेटा भी तो कितना लगता, 15 पॉइंट्स वाला मेटा था और अभी के टाइम पे 10 पॉइंट्स वाला मेटा हो गया, तो बहुत सारे क्या सारे ही IGLs को थोड़ा तो टाइम चाहिएगा ना ऑब्वियसली चेंज करने के लिए, क्योंकि प्ले स्टाइल चेंज करनी है, प्लस रोस्टर शफल इतने ज़्यादा होते हैं उस चीज़ से ना, मतलब कोप अप करवाना बहुत मुश्किल होता है। तो ठीक है यार, अच्छा ही है जली, अभी भी क्या दिक्कत है, क्या जली आपकी टीम में आ रहा है क्या? नहीं अभी तो मेरी टीम तो फिक्स है। देखो 15 पॉइंट में तो ऑब्वियसली अच्छा था ही वो, बट 10 पॉइंट्स में भी आप ऐसा नहीं बोल सकते हो अच्छा नहीं, बिकॉज 10 पॉइंट्स में क्या है ना वैसे कि अभी के टाइम पे वो IGL बेस्ट है जिसको पता है कि फाइट लीड कैसे करवानी है अपनी टीम को और किस तरीके से अप्रोच रखनी है फाइट की, समझ लो। सिर्फ ऐसे नहीं कि हाँ मैंने तो फाइट करवाई थी, वो चीज़ नहीं हो सकती, समझ लो। सारे IGLs को पता होना चाहिए कि मतलब फाइट को इनिशिएट कैसे करवाना है उसका सोल्डर से, ताकि उसके सोल्डर्स के पास एडवांटेज रहे फाइट लेते टाइम। तो उस चीज़ के लिए आप देखो टीम पे भी बहुत फर्क पड़ता है कि अगर आपके पास प्लेयर्स है जो बहुत टाइम से साथ में खेल रहे हैं तो ऑब्वियसली एग्जीक्यूशन वाली चीज़ें थोड़ी और स्मूथली वर्कआउट करती है, समझ लो।
उसके बाद फिर न्यू अपने स्ट्रीम पर कहते हैं कि ई-स्पोर्ट्स प्लेयर को अपने जोन में अकेला छोड़ देना चाहिए ताकि उनको ज्यादा प्रेशर बिल्डअप ना हो। वही वो गॉडलाइक का एग्जांपल देते हुए कहते हैं कि गॉडलाइक के ऑर्ग में मैचेस के टाइम में प्लेयर्स लोग के साथ काफी सारे और भी लोग रहते हैं, जो कि वैसा नहीं करना चाहिए एंड प्लेयर्स लोग को अपने में अकेला छोड़ देना चाहिए। एंड एग्जैक्टली न्यू क्या कहते हैं वो चीज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। मेरे को क्या लगता है, टू बी ऑनेस्ट, मुझे ऐसा लगता है टू बी ऑनेस्ट कि प्लेयर्स को कोई जाके कुछ बोलना ही नहीं चाहिए और प्लेयर्स ने अपने इसमें रहने चाहिए। समझ रहे हो कि प्लेयर्स को कोई कुछ जाके कहना ही नहीं चाहिए, प्लेयर्स अपने जोन में रहे, अपने इसमें रहे। क्या लगता है तुम्हें? मुझे तो ऐसा लगता है जैसे हमारे यहाँ सीजी में होता है कि प्लेयर्स अपने ऊपर वाले रूम में रहते थर्ड फ्लोर पे और अपना 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 ही करते, मतलब भले वो लोग हक भी दे, वो लोग खराब भी खेले, उनको कोई जाके कुछ कहता नहीं, वो लोग खेलते रहते अपना। तो मेरे हिसाब से वैसा होना चाहिए कि उन पर कोई बाहर का पीयर प्रेशर नहीं रहना चाहिए, कि मतलब उनको अपने जोन में रहना चाहिए। समझ लो गाइस कि तुम एक जब ई-स्पोर्ट्स प्लेयर ना अपने जोन में रहता ना तो कितना अच्छा खेलता है। देखो ये सीन है, ये देखो, ये बस ये एक सीन है। देखो कि ये देखो मैच के टाइम पे कितने लोग रहते हैं, ठीक है, बंदा कैसे फोकस करेगा, मतलब एज इट, मतलब समझ गए। उसके बाद फिर इस BMPS में लोग कास्टर्स लोग से क्वेश्चन पूछ सकते हैं जिसका कास्टर्स लोग रिप्लाई करेंगे। तो एक बंदे का क्वेश्चन रहता है कि जैसे टीम सोल पहला BMPS में डोमिनेट किए थे, क्या इस बार भी BMPS में टीम सोल डोमिनेट कर पाएगी? क्योंकि जब ये S पावर टीम सोल में थे तो टीम सोल 4v4 फाइट लैग कर रहे थे, बट निंजा जॉट के एडिशन के बाद वो टीम अभी स्ट्रॉन्ग है। एंड इस चीज पर मेसी काफी ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दे देते हैं। एंड मेसी कहते हैं कि उनको लगता है कि टीम सोल फाइनल्स के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर पाएगी। एंड एग्जैक्टली मेसी क्या कहते हैं, क्या सीन रहता है, वो चीज आप लोग देख सकते हो। जी हाँ, इसी के साथ पुनिया रवि है जिनका एक सवाल है, कैन टीम आईक्यू सोल डोमिनेट दिस सीजन ऑफ BMPS लाइक दे डिड इन BMPS सीजन 1? दे वर लैकिंग इन 4v4 फाइट्स आफ्टर द फेयरवेल ऑफ S पावर फ्रॉम द टीम, बट आफ्टर द एडिशन ऑफ निंजा जॉट दे आर लुकिंग स्ट्रॉन्ग। क्या लगता है मेजी? देखिए उनको लगता है कि दे आर लुकिंग स्ट्रॉन्ग, पर मुझे ऐसा लगता है कि शायद ऐसा ना हो। अगर मैं अपनी पर्सनल उम्मीदें बताऊं तो मुझे नहीं लगता कि वो फाइनल्स के लिए भी क्वालिफाई होने वाले हैं। अभी आप ये मत पूछिएगा कि क्यों, क्योंकि मुझे सपना आया था। मुझे लगता है इस सवाल को यहीं पर अब रोक देना चाहिए क्योंकि फाइट स्टार्ट हो चुकी है। जैसे आपने अपना पर्सपेक्टिव बताया, मुझे ऐसा लगता है कि टीम आईक्यू सोल ग्रैंड फाइनल्स में तो वो पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे, और जिस प्रकार से भी निंजा जॉट का एडिशन हुआ है, ठीक है आप कह सकते हैं कि एक दो मुकाबले थे ऐसे जो उतना ज्यादा बेहतर गए नहीं, बट अगर आप हिस्ट्री भी देखें मान्या और पूरी टीम नकुल, इनफैक्ट वो बहुत ही ज्यादा प्राइम फॉर्म में चल रहा है। हमने हर बार चर्चा की थी कि नकुल के ऊपर उतनी ज्यादा लाइमलाइट नहीं जाती, बट वो बैटमैन बनते हुए नजर आ रहे, काफी बढ़िया चल रहा है। बट अगेन विद द कंपटीशन इवेंचुअली वो डिसाइड हो ही जाएगा कि कौन जाएगा कि नहीं जाएगा, बट मेरी प्रेडिक्शन है कि जाएंगे तो ग्रैंड फाइनल्स में। देखिए मेरा वो कहने का मतलब, मैं बस इसीलिए वो चीज कह रहा था क्योंकि मुझे ऐसा फील होता है कि शायद निंजा मान्या के आईजलिंग के अंडर, नो डाउट वो खिलाड़ी बहुत समय से मान्या के साथ खेलता हुआ आया है, पर मुझे बस ये देखना है कि क्या वो बाकी दो खिलाड़ियों के साथ भी कम्युनिकेशन उनकी उतनी है जिस तरीके से हमने मान्या के साथ देखी है। वही एक मुझे पर्सपेक्टिव लगता है जिसकी वजह से मैं ये कह पा रहा हूं कि शायद मुझे ऐसी उम्मीद है कि आईक्यू सोल उतना बढ़िया ना खेल पाए जितना हमने उनको पहले खेलते हुए देखा है। हालांकि अभी भी बहुत लंबा समय है, रिशफल होने के बाद वापस उन्हें खेलने के लिए आना है। जैसे पिछले 3 मैच उनके बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, शुरुआती दौर के 3 मैच उन्होंने बहुत बढ़िया खेले थे, और बस वही एक छोटा सा पॉइंट मुझे लगता है जिसकी वजह से सिचुएशन थोड़ी खराब हो सकती है कि मान्या के साथ तो बहुत बढ़िया जमता है निंजा का, पर क्या बाकी दो खिलाड़ी उसके लिए तैयार है या फिर नहीं। मेसी के स्टेटमेंट के रिलेटेड लोग निंजा जॉर्ज से भी उनके स्ट्रीम पर उनसे पूछते हैं, एंड निंजा का इस पर क्या रिप्लाई रहता है वो चीज यहां पे आप लोग देख सकते हो। मेसी का स्टेटमेंट सुना आज, पता है उनको क्या पता नहीं उनको क्या दिक्कत है, नहीं सुना भाई मैंने कुछ, पता ना आप लोगों ने सुना होगा तो। उसके बाद फिर एक बंदा आरू से पूछता है कि क्या अभी के टाइम पे एक नॉर्मल प्लेयर एक T1 प्लेयर बन सकता है, क्योंकि अभी कंपटीशन ज्यादा है, तो क्या ये चीज पॉसिबल है एक नॉर्मल प्लेयर के लिए? एंड आरू इस चीज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है, वो क्या बोलता है यहां पे आप लोग देख सकते हो। क्या अभी एक टाइम के एक नॉर्मल प्लेयर T1 प्लेयर बन सकता है क्या? कंपटीशन ज्यादा है इसलिए नहीं आ सकता, क्या लगता है आपको? मेरे को ऐसा बिल्कुल नहीं लगता, वैसे कंपटीशन ज्यादा है तो कोई प्लेयर एंट्री नहीं कर सकता। और अब देखो अपना जो गेम है, ठीक है, BGMI में देखो 25 टीम्स का स्लॉट है, ठीक है, जिसमें से ई-स्पोर्ट्स में 16 टीम्स खेलती हैं। अभी आप खुद सोचो CS:GO या फिर वैलोरेंट जैसे गेम है जिसमें सिर्फ फाइनल्स में 2 टीम्स का स्लॉट होता है, उनके लिए कितना ज्यादा मुश्किल हो जाता होगा। पर हमारे तो अभी भी मोबाइल ई-स्पोर्ट्स स्टार्ट हुआ है, समझ रहे हो, अभी भी लोगों को इतना नहीं पता है कि टॉप डिसिप्लिन के साथ कैसे चीजें कंटिन्यू रखनी है। क्योंकि आप देखोगे कि पहले के टाइम पे जो टॉप पर प्लेयर्स थे, जो मतलब पीक पे थे ई-स्पोर्ट्स के, वो अभी कहीं खो चुके हैं या फिर वो अपना ग्रेस लूज कर चुके हैं। बहुत कम लोग हैं जो अभी भी मतलब समझ रहे हो ट्राई कर रहे हैं एंड अभी भी है मतलब कॉम्पिटिशन में। तो वैसे जो लोग होते हैं ना, उन लोग को बोलते हैं कि मतलब प्रॉपर हार्डवर्क करके हैं, तो वो चीज़ PC में ज्यादा होती है, बिकॉज ई-स्पोर्ट्स वहाँ पे बहुत टाइम से चल रहा है, समझ रहे हो। तो मोबाइल में वो चीज़ अभी तक आई नहीं है। एंड 16 टीम्स में से क्या है आपको एक ही तो जगह बनानी है? इतने सारे आप प्लेयर्स देख रहे हो, नए प्लेयर्स, बहुत सारे प्लेयर्स के तो मेरे को नाम भी नहीं पता इसमें, लेकिन आसान है, मेरे को नहीं लगता इतना कुछ मुश्किल। अगर आप बेसिक्स स्ट्रॉन्ग रखोगे ना, बेसिक स्ट्रॉन्ग रखो बस, फिर बहुत आसान है एंट्री करना T1 के अंदर। तो गाइस अब आप लोग बताओ कि आप लोग में से कितना लोग है जो कि ई-स्पोर्ट्स में अपना करियर बनाने का तैयारी कर रहे हैं, मुझे बताओ नीचे कमेंट्स में। बाकी आज किस वीडियो के लिए बस इतने, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। ऐसी डेली गेमिंग न्यूज एंड अपडेट्स के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन भी इनेबल कर देना। बाकी मिलते हैं कल अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड बाय बाय।